बिलासपुर में भी विभिन्न ट्रेड यूनियन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में लाल रंग के झंडे लेकर पूर्व विधायक के कौशल की अगुवाई में रैली निकाली। ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और जिलाधीश कार्यालय परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पूरे भारतवर्ष में आज राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मजदूर संगठनों की, तमाम वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरे देश में आज हड़ताल है और उसी हड़ताल के एवज में आज बिलासपुर जिले की विभिन्न संगठनों के तमाम कार्यकर्ता जो हैं आज यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे देश के अंदर मोदी सरकार ने तमाम मजदूरों के कानूनों को डाइल्यूट कर दिया, उसको ख़त्म करने की साजिश है। विदेशी कॉरपोरेट कंपनीज और देश में सरमाएदारों के हक में ये मजदूरों के हकों पर टिकैती देश में कर रहे हैं। इसी तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से और तमाम लोग जो हैं उनको परेशानी है। इसी तरीके से हिंदुस्तान के तमाम ट्रक ऑपरेटर और उनके ड्राइवर जो हैं उन पर ये आपके मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम करके इन्होंने देश के साथ एक बहुत बड़ा इन ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स के साथ धोखा किया है। इस धोखे के खिलाफ आज सारे हिंदुस्तान के ट्रक ऑपरेटर भी हड़ताल पर है।